Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. I am your science teacher, Ms. Samsha, and today we are studying unit number 1, Human Organ System. It is a continuing lecture of this chapter. If you remember, student, in my last video we will talk about the digestive system, but today we are studying the respiratory system. After food is digested, the simpler substances are carried to the cells of our body so that energy can be obtained from them. जब हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है तो द सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल्स क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं वो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी में हासिल होती है. तो ऑब्टेन दिस एनर्जी, जब वो इस एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय ब्रीथिंग, और यही ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है, और ये ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है, एयर के जरिए, बाय ब्रीथिंग. सो व्हाट इज ब्रीथिंग, द टेकिंग इन ऑफ एन एयर इनहेलेशन एंड गिविंग आउट इट आउट एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग. के जब हम बॉडी के अंदर एयर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो वो क्या प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेलेशन. और जब हम उस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन. तो यही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है, स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग कहलाता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एयर अंडरगो केमिकल रिएक्शंस एंड ओनली अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग अप बाय द बॉडी. ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान जब एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही होती है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, मगर उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन ही जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हिस्सा ले रही होती है. द टेबल अबव शो व्हाट वी विल इनहेल एंड व्हाट वी एक्सहेल. ये टेबल जो है वो आपको शो करेगा कि क्या हम इनहेल करते हैं और क्या हम एक्सहेल करते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं. यहाँ दिख रहा है एरो बना हुआ है, हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इनहेलेशन. और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन. और यही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है, स्टूडेंट, ब्रीथिंग. रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिस्पिरेशन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिस्पिरेशन. सो व्हाट इज रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच द इनहेल्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल टू रिलीज एनर्जी स्टोर विद इन द फूड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन क्या है, आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है, जो हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, हमारे जो सेल्स हैं उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं जो हमारे फूड के अंदर मौजूद होती है. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीजन. अगेन आई रिपीटिंग यू कि हम रिस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस में हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, ठीक, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं ऑक्सीजन को तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है. और एनर्जी कहाँ से रिलीज हो रही होती है, जो हमारे फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी रिलीज हो रही होती है. तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपके पास रिस्पिरेशन. द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रिस्पिरेशन एफिशिएंटली. जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये काफ़ी सारे सेट ऑफ ऑर्गन्स पे कंसिस्ट होता है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे, स्टमक, पैंक्रियाज, रेक्टम वगैरह. इसी तरीके से जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये भी वेरियस कंपोनेंट पे कंसिस्ट होता है. सो कंपोनेंट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस. द ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम आर द नोज, फेरेंस, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स. वी शैल नाउ स्टडी हाउ दिस फंक्शन. हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट कंपोनेंट जो है आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या है, नोज. ये जो आपको नजर आ रही है यह क्या है, आपकी नोज. और नोज के अंदर स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके नोस्ट्रिल्स, जिसे आप नथने भी कहते हैं, ठीक. तो ये आपकी जो एयर है वो सबसे पहले किसके अंदर एंटर होती है, स्टूडेंट्स, नोज के अंदर. और ये जो आपकी कहाँ पर आती है, पहले नेजल कैविटी के अंदर. ये क्या कहलाती है, स्टूडेंट्स, यहाँ से जो आपकी नाक से जो अंदर हलक में जो नाली जा रही होती है वो क्या कहलाती है, नेजल कैविटी. तो नोज़ के जरिए क्या होती है, आपके पास नेजल कैविटी के जरिए आपकी जो एयर है वो यहाँ पर अंदर आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है. उसके अलावा जो ये नोज़ है, यहाँ जो नोस्ट्रिल्स हैं आपके, ये क्या करते हैं, आपकी एयर को फिल्टर कर देते हैं, यानी कि छान, जिस तरीके से छन्नी में के अंदर कुछ चीज़ छान के आती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से अब आप जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारी गैसेस भी हो सकती हैं. तो ये क्या करते हैं, ये नोस्ट्रिल्स क्या करते हैं, आपकी एयर को फिल्टर कर देते हैं, मॉइस्ट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, फिर जाके आपकी बॉडी के अंदर ये जो एयर है एंटर होती है. उसके बाद आपकी बॉडी की जो एयर है वो कहाँ जाती है, सेकेंड पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, विच इज़ ट्रेकिया. ट्रेकिया क्या है, ये आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं हड्डियों के, और ये हड्डियाँ के ये वाली जो आपके पास ये रिंग्स नज़र आ रही हैं, ये कहलाते हैं कार्टिलेज. बोन्स, बोन्स दो तरीके की होती हैं स्टूडेंट्स, आपके पास नरम हड्डी भी होती है
और सख्त हड्डी भी होती है। ये वाली जो है आपके पास, ये कौन सी है, ये नर्म हड्डी, यानी कि तो ये जो नर्म हड्डी होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे आपकी जो नाक है वो मूव कर सकती है, कार्टिलेज उस बोन को बोलते हैं जो कि आपके पास मूव कर सकती है इजीली। जैसे आपकी नोज है वो आसानी से मूव कर सकती है, तो ये क्या आपकी आपके एयर है ये आसानी से मूव कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कार्टिलेज है। तो बिल्कुल जो ट्रेकिया है, ये जो रिंग्स जो आपको नजर आ रही है, ये बोन्स है आपकी, और ये कौन सी बोन्स है, ये कार्टिलेज है। ठीक, तो फिर आपके पास जब एयर फिल्टर हो जाती है तो ट्रेके के अंदर वो एयर क्या आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर ये ट्रेके भी क्या करता है, इस एयर को फिल्टर करके आपके फर्दर ऑफ द अगेन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहुंचाता है। ठीक, नेजल कैविटी ने भी क्या किया, एयर को फिल्टर किया, ट्रेकिया ने भी क्या किया, एयर को फिल्टर कर दिया। इस ट्रेके के अंदर बारीक जो है हेयर लाइक प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बारीक बारीक धागनुमा स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं सिलिया। क्या कहते हैं, सिलिया। ये सिलिया क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। अगर स्टूडेंट जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सिलिया जो है वो मूव करना स्टॉप कर देते हैं। ठीक, जब ये सिलिया मूव करना स्टॉप करेंगे तो हम जो एयर बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं तो वो इनहेल एयर नहीं होती, फिर हमारी बॉडी के अंदर वेरियस जो है वो जर्म्स वगैरह भी और गैसेस वगैरह जाती हैं, जिससे इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ब्रोंकाई। इन द मिडल ऑफ द चेस्ट द ट्रेकिया डिवाइड्स टू टू नैरो कार्टिलेज रिंग ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई व्हिच आर आल्सो लाइंड बाय सिलिएटेड सेल्स। इसके बाद ट्रेकिया के बाद स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ब्रोंकाई, बिल्कुल आपके मिडल ऑफ द चेस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ट्रेकिया जो है वो दो नैरो चैम्बर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, इनके अंदर भी कार्टिलेज रिंग पाए जाती हैं। ठीक है, और ये इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, सिलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, जो कि ये भी एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहता है लंग्स। दो लंग्स होते हैं आपके पास, राइट एंड लेफ्ट। लंग्स जो हैं स्टूडेंट्स आपके टू लार्ज स्पंजी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इस बलून जो है स्पंजी टाइप होता है ना, इस तरीके से ये आपके लंग्स हैं ये भी स्पंजी टाइप होते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं। ईच ब्रोंकस जो है इंटर वन ऑफ द लंग्स एंड डिवाइड लाइक अ ट्री इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रैंकियल ट्यूब्स। आप देख रहे हैं हर ये जो लंग्स है ये बारीक बारीक भी उसमें से नसें जो निकल रही हैं ये कहलाती हैं स्टूडेंट ब्रोंकियल ट्यूब्स कहलाती हैं। ईच ब्रोंकियल एंड इन अ टाइनी एयर चैम्बर्स कॉल्ड एन एल्वोलाई। हर ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर ये जो बारीक बारीक नसें हैं इन हर ट्यूब्स के अंदर जो है वो आपके पास एयर के चैम्बर्स पाए जाते हैं। जैसे एक बैग होता है ना, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे एयर्स के चैम्बर पाए जाते हैं, वो क्या चैम्बर के कहलाते हैं, एल्वोलाई कहलाते हैं आपके पास। और इन्हीं एल्वोलाई के अंदर आपकी जो एयर है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है, यानी कि आप जो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं तो वो किसके अंदर होता है, एल्वोलाई के अंदर होता है। ठीक है, वो किसके अंदर होता है, एल्वोलाई के। अब यहाँ पर आके फिर आपका जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। नेजल कैविटी के जरिए एयर एंटर होती है, फिर ट्रैके के अंदर आती है, फिर ब्रोंकाई के अंदर एंड देन लंग्स के पास। फिर लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई है उनके जो एयर चैम्बर्स है जिन्हें हम एल्वोलाई कह रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गिवन आउट बॉडी से बाहर हो जाती है। यहाँ पर आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन माई अनदर वीडियो विद माई अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।